फेवरेट गाना लगा एक्चुअली मेरे को गाने के टाइम पे. ठीक है, मैं ब्रीफ्स यूजुअली सुनता नहीं. आई लिसन टू द सॉन्ग फर्स्ट एंड देन डिसाइड ऑन द ब्रीफ, बिकॉज सॉन्ग से अच्छा ब्रीफ कोई भी नहीं दे सकता है. तो सॉन्ग सुनने के बाद स्पेशली सबसे ज्यादा मेरे को तो ये लगा कि बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग है, लिरिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा गाना है, आज का गाना है, और कन्वेंशनल ट्यून नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ कन्वेंशनल गाने गा के. सो दैट्स दैट. बहुत अच्छा गाना है, बहुत खूबसूरत है, जनक भाई ने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया, बहुत कुछ अच्छा गा दिया, बहुत बेस्ट कर दिया है गाने का. तो अभी सर ही बोलेंगे, सर प्रोड्यूसर एक सॉन्ग. प्लानिंग जो स्काईलाइट क्रिएटिव की है वो ये है कि 4 से 5 अच्छे ब्यूटीफुल अलग अलग जॉनर के एल्बम्स बनाए जाएं, और उसके बाद में आगे वेब सीरीज वगैरह, फिर जाके एक फीचर फिल्म. अच्छा, अभी शुरुआत हमने करी है इरफान भाई से, और इरफान भाई इसको ले जाएंगे इस जर्नी को आगे, किसकी खूबसूरती से ले जाते हैं वो देखते हैं. साथ में हमारी हीरोइन है जो इसका. मैं ये कहना चाहूंगी कि गाना तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा बना है, आगे देखते हैं कि कहां तक जाता है क्या है. मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब को, अगर वो मौका ही नहीं देते तो हम खड़े ही नहीं होते. राइट. तो ये गाना लिरिकली एक सैड रोमांटिक सॉन्ग है, इसको समझना. और मैं अपने सिंगर यासिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जब मैं कंपोज कर रहा था तो मेरे जहन में बस यही थी, तो मैंने सर को बोला कि यासिर साहब भी गाएंगे, तो मैंने इनके लिए ही ये दिमाग में जहन में रख के कंपोज किया था. और इसको म्यूजिक जो प्रोग्रामिंग अरेंजिंग किया है वो हमारे हम पार्टनर हैं, साथ में वर्क करते हैं, जनक हैं ये, राहुल मेरे पार्टनर हैं, नदीम साहब हैं मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इब्राहिम साहब मेरे खास प्रोड्यूसर हैं मेरे सफ़र में जो यहाँ तक लाने के लिए. सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, सब मिलके ही कुछ कर सकते हैं, अकेले तो कुछ नहीं हो सकता है. और सबसे बड़ा थैंक्स है मेरे भाई का, जिनकी रूहानी आवाज़ से, इनकी आवाज़ से ही हम बनेंगे बहुत माशाल्लाह. आगे हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, और जनक भाई को बहुत बहुत मेहरबानी है, ये बहुत अच्छे से अरेंजिंग ना करते तो गाना निकल के नहीं आता था. तो बहुत बहुत इनका ये गाना स्पेशली एक हमारे योनर्स से रिलेटेड ही था, सैड रोमांटिक हम जनरली बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी थी. जैसे इरफान और मैं काफ़ी ज़्यादा गाने कंपोज कर रहे हैं आजकल, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अच्छा मौका दिया हमें, तो हमने लिरिक्स के जरिए, कंपोजिशन के जरिए, म्यूजिक के जरिए इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी है. और यासिर भाई बहुत अच्छा गाते हैं, सो इनके साथ हम और भी गाने करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. जब ये गाना सुना था मैं इरफान भाई से, तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने बताया था कि ये यासिर भाई के लिए बनाया है गाना. सो ही हैड सैंग इट वेल. अभी लेट्स सी हाउ इट इज शॉर्ट, एंड मतलब दिल को छूने वाला गाना है, तो फिर पब्लिक में तो हिट होगा ही. गाना जो है बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना है, और यासिर भाई ने गा के इसको और 4 चांद लगा दिए है. मैं चाहूंगा कि इसी तरह इरफान भी अच्छे से अच्छे गाने बनाए, और यासिर भाई साथ दे इनका, बहुत आगे तक जाए.